कोविड-19 अंतर्गत विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून शाळांमध्ये 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण कार्यक्रम राबवण्यात येत असून शीतलवाडी येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट मधील 326 मुलांचे लसीकरण करण्यात आले। या लसीकरणासाठी प्राथमिक केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मंगेश रामटेके, डॉक्टर मुकेश वडमेरा, सामुदायिक आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मयूर निपाणे, मनसर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्य सहाय्यक प्रदीप खंते, डॉक्टर प्रवीण सामट, अश्विनी बावणे आरोग्य सेवक व सेविका परिश्रम घेत आहेत। कोरोनावर मात करण्यासाठी प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली असून हे लसीकरण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक आहे। विद्यार्थ्यांनी ही लस घ्यावी म्हणून आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत असे ज्ञानदीप कॉन्व्हेंटचे प्राचार्य निशांत मेंढी यांनी सांगितले। तर लस देताना प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे शाळेतर्फे पुरेपूर पालन केले जाईल असे ज्ञानदीप कॉन्व्हेंटच्या माजी प्राचार्य गीता भास्कर यांनी स्पष्ट केले। तर शासनाच्या आदेशान्वये आम्ही प्रत्येक शाळेत जाऊन लसीकरण करून घेत आहे। या ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट येथील 15 ते 18 वयोगटातील 450 मुलांचे लसीकरण झाले असून लसीकरणासोबत विद्यार्थ्यांना इतर सूचनाही देण्यात येत असल्याचे मनसर प्राथमिक आरोग्य केंद्र से आरोग्य सहायक प्रदीप खंते यांनी सांगितले। स्टार्ट किया है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा ये है, तो पेरेंट्स के कंसेंट लेकर हम बहुत अच्छी तरह से पूरे रेस्पॉन्स है और अच्छी तरह से चला रहे हैं। थैंक यू। एक लोग पूरी तरह से समझाए हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद इन लोगों को कैसे बिहेव करना है और कैसे उनको 15 मिनट्स तक उनको रेस्ट में दिए हैं और खाना खाने के बाद भी उनको लेना है वो भी समझाए हैं। अगर कुछ फीवर जैसे सिम्टम्स हैं तो पैरासीटामोल देने के लिए बताए हैं और उनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन क्या होता है उसको उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है और बिफोर एंड आफ्टर सब उनको समझाए हैं। जो प्रोग्राम रखा हुआ है आरोग्य विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है ये और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम कोरोना का अभी देख रहे हैं जिसमें से तीसरी लहर बोल रहे हैं कि भी तीसरी लहर आ सकती है, इसमें बच्चों का एजुकेशनल नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये नुकसान अगर नहीं करना है बच्चों का तो उनकी स्कूल शुरू रहना ज़रूरी है और इसके लिए से बच्चों का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे पेरेंट्स से उनके मन में कुछ गलत फहमियाँ हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, पर हम पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि नहीं कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ये वैक्सीनेशन करना। और वैक्सीनेशन लेने के बाद में भी हमको एक आधा 20 to 25 मिनट्स हम यहाँ पे बिठा रहे हैं और उनको बाद में भी किस तरह से बिहेव करना है, बाद में क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं ये भी उनको बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन दिया है आरोग्य डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी।